Guys, welcome back again to my new video. Today I'm gonna share my Sarojini haul. Yes, previous video में आपने देखा था मैं सरोजनी गई थी and I make a haul. Also जो मैंने products purchase किए हैं I'm gonna share with you guys. क्योंकि इसमें से कुछ amazing stuff है और कुछ कुछ मुझे बहुत ज़्यादा disappointing लगे. I have miscellaneous of things. Follow me on Instagram. मेरी Instagram ID आपको screen पे दिख जाएगी. And yes, without any further ado, let's get started. मुझे सारी चीज़ों में favorite लगा है is this jeans. It's from local वाली Zara. Actually Zara का tag लगा था but it's local. और ये कुछ इस तरीके से है ये जीन्स. द साइज इज 32. आई बॉट 32 बट ये भी मुझे फिट नहीं हो रहा जबकि मुझे 30 साइज आता है. मैंने सोचा था कि चलो एक साइज बड़ा ले लेते क्योंकि लोकल में यू नेवर नो कि आपको आएगा कि नहीं आएगा. स्टफ इतना अमेजिंग है इसका, इतना ज्यादा स्ट्रेची है तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया. मुझे फिट भी आ गया. मैं इंसल्ट कर दूँ पिक्चर. ऑल्सो ये एक फ्लेयर्ड जीन्स है, बेल बॉटम फ्लेयर्ड वट एवर यू कॉल्ड. बहुत सॉफ्ट है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 400 rupees. इज दिस ब्लाउज जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ. इन्हें मैं बहुत खूबसूरत था, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये जॉर्जेट में है. बट द थिंग इज डिसअपॉइंट कि इसकी डोरी टूट गई. मैं पार्टी में गई थी और वहाँ पे डोरी टूट गई. यू नो आप चीप माल ले भी रहे हो ना तो कहीं ना कहीं वो आपको समझ में आ जाता है लगता. बट ऐसा नहीं, मटेरियल अच्छा, सब कुछ अच्छा है. इसमें थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और डिसअपॉइंटिंग लगी, जिसके पैड लगे ना दे आर वेरी वेरी हार्ड. एक दो बार पहन लो और फिर डिस्कार्ड कर दो. उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है. अभी मुझे बहुत पसंद आया और इसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं थी, मतलब रीजनेबल है. मैं दिखा देती हूँ आपको. ये मुझे मिला है 150 rupees का. ये ब्लाउज बहुत खूबसूरत है. आप रेड साड़ी पहनते हो या ग्रीन साड़ी पहनते हो इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा. और इसके जो पैड्स हैं ना दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है इसके पैड्स. मुझे उसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा पसंद आया. कॉटन इज सो रिलैक्सेबल. ये इस तरीके से पीछे है और आगे से आपको इस तरीके से मिल जाएगा. जस्ट 150 rupees एंड आई एम लविंग इट. ये ट्राउजर लिया मैंने, टाई एंड डाई काइंड ऑफ है बट इसका जो फैब्रिक है ना इट्स लिटिल डिफरेंट. इट्स काइंड ऑफ कॉटन प्लस इसमें कुछ और मिक्स है जो एकदम से ना जीन्स वाला कपड़ा डेनिम टाइप का है बट डेनिम नहीं है. सो आई डोंट नो व्हाट आई विल कॉल दिस. सो बहुत अच्छा लगा. ये सॉलिड है, बहुत अच्छा फैब्रिक भी है, मतलब कंफर्टेबल है. एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको चुभने वाला कपड़ा है, बिल्कुल नहीं है. सो सॉफ्ट. और वहाँ पे आपको जगह जगह ये वाले प्रिंट के, मतलब जगह जगह आपको पजामे मिल जाएंगे इसलिए. सो आप ले सकते हो. इसकी कॉस्ट 200 rupees है. और दीज स्पॉट्स ब्रो एंड this is our look. The fabric is so comfortable, so soft and comfortable. I loved it. This is of ₹200 that I got. It is again of ₹200 and this is also so comfortable. बट ही कुछ इस तरीके से क्रॉप टॉप भी बना लो आप इसको और उसके ऊपर आप अच्छे से कोई कोट या जैकेट या श्रग ले लो और साथ में एक हाई वेस्ट जीन्स एंड इट लुक्स सो प्रिटी. सो मुझे तो ये बहुत पसंद आया. दिस इज ऑल्सो फ्री है. 200 200 200 ऐसे करके तो 800 rupees हुए थे बट आई गेव हिम 700 एंड दिस इज सो गुड, सो कम्फर्टेबल. व्हाइट कलर की यार मुझे नीड भी थी एक्चुअली. मेरी जो व्हाइट कलर की हैं वो मैं डिस्कार्ड कर दी. मैं ब्रॉज वैसे भी जल्दी डिस्कार्ड कर देती हूँ. 5 month 3 month लाइक दिस, एक साल तक तो चली जाएगी बच्चों के वैसे बहुत जल्दी. तो ये कॉस्ट पड़े मुझे 300 rupees के. मैं वैसे भी फर्स्ट क्राई वगैरह से लेती हूँ तो आफ्टर डिस्काउंट मुझे इतने के ही पड़ जाते हैं 300 400. तो मैंने ठीक है, इट्स नॉट दैट चीप बट ओके ओके प्राइस का. तो ये एक ट्राउजर है, इसकी मैंने ना ऐसे फोल्ड करके रखा था, इसकी क्रीजेज आ गई हैं एंड इसमें पॉकेट्स भी हैं. और ये भी 200 rupees के लिए ये भी लिया था. 400 rupees में टू बस. आराध्या के लिए वूलन लोअर्स लिए मैंने, इस तरीके के हैं ये. बहुत मोटा फैब्रिक है. ये एक पैंट ली है मैंने, इसमें देखिए आप तो ये एक थोड़ा सा क्विल्ट वाला कपड़ा लगा हुआ है. एक ये है, ये मुझे मिली है 200 200 rupees में. हाँ एक ये प्रिंट है, दिस इज सो गुड, बहुत अच्छा है. कॉटन का सबसे बड़ी बात, कॉटन के अंदर स्टफ लगा तो बच्चे को कंफर्टेबल भी फील होगा. एंड दिस इज द लास्ट पीस, लोअर या पजामी जो भी बोल लो बच्चों की. हैव उमाश के लिए कोट लिए हैं, ब्लेजर्स. ये एक ब्लेजर है, बहुत अच्छे से सुपर फिट हो रहा है. और एक इस प्रिंट में है, ये ब्लेजर है उनके. मुझे बहुत पसंद आया और दोनों की कॉस्ट मिला के 1000 rupees में दोनों आ गए थे. 500 rupees ईच प्रोडक्ट्स आर ज्वेलरी. इज यस, ज्वेलरी के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता है यार. सरोजनी गई और ज्वेलरी नहीं लाए तो कुछ नहीं लाया. ओके सो पहली ज्वेलरी मेरे पास है ये प्रिटी से हुप्स. दे आर सो गुड, मुझे देखते ही पसंद आ गए. और इसकी अगर आप कॉस्ट पूछोगे तो यू विल शॉक. 30 rupees ओनली, 30 rupees के. ये ना आजकल बड़े ट्रेंड में है, मैंने देखा कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इसे कलरफुल मल्टी कलर पहनने में बड़े अच्छे लगते हैं. कुछ कुछ कार्टून्स भी लगते हैं बट ठीक लगते हैं. सो ये है कुछ इस तरीके से प्रिटी से. मुझे ये इतने प्रिटी लगे, ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है. आप देखो कितने खूबसूरत है, एकदम न्यू.
बहुत प्रिटी लगे मुझे और इनकी कॉस्ट में बता दो 50 रुपीज ओनली। तो वहां से मैंने तीन पीसेस लिए थे, एक ये लिया था, एक रेड वाला भी जो दिखाया वो लिया था, एक ये लिया था, मुझे इतना प्रिटी लगा ये वाला। तो बट सबसे अच्छा मुझे यही वाला लगा था डिफरेंट, ये भी 50 रुपीज का है, बहुत खूबसूरत सा ये लिया था 50 रुपीज में। ये वाला कितना खूबसूरत, एकदम लग्जूरियस लग रहा है, एकदम रीसेंट सा, बहुत अच्छा मेटल है। एंड अनदर वन इज दिस वन, ये थोड़े से ब्रॉड में है, अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से ब्रॉड में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मोर थिंग्स, एक मैंने एक क्लचर लिया था जिस कॉस्ट में ₹30 or ₹40 का है, बड़ा अच्छा था, हैवी है तो इसकी जो पकड़ है ना वो भी बहुत अच्छी रही, आराधे के ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए मैं लेके आई हूँ। दस वन और एक वाटरमेलन वाली भी है इस तरीके की, आई लव इट। ₹200, ये पीछे से काफी गंदी हो गई है क्योंकि मैंने इसको वेयर कर लिया है, बट मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली, इतनी कंफर्टेबल है और ये देखो मुड़ भी जाती है इस तरीके से, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, मैट्स हैवी मैट्स हैं, अच्छे से एक रेशम के धागों में बुनी हुई मैट है, कॉटन और रेशम के, मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है। ये मैंने एक्चुअली लिया टेबल के लिए और उन्होंने 400 रुपए में दोनों दे दी, विच इज ग्रेट डील आई थिंक। और इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा लंबी है, ये देखो आप कितनी अच्छी है, ये पूरी अभी तुम्हें अच्छी खासी है, देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और ब्रॉड भी है। सेम कलर में दोनों नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, मुझे चाहिए थी कि सेम कलर में दोनों मिल जाती तो ज्यादा अच्छी लगती बिछाने में, बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसी मिल गई मैं ऐसे ही बिछा लूंगी। मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर देते हो कि ये वाला कहाँ से लिया है, ऐसा नहीं है, प्लीज आप इसमें भी कमेंट किया करिए मेरे वीडियोस पे, तो ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन गाइज, प्लीज सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन गाइज, एंड यस थैंक यू अलॉट, बाय, सी यू गाइज, बाय।